आखिर सोनी सब जो इतने सालों तक कॉमेडी चैनल बना रहा, आखिर क्यों इस चैनल को अब डेली सोप में बदला जा रहा है? Why सोनी सब इज नो लॉन्गर कॉमेडी चैनल? आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे शो से जुड़े हुए, चैनल से जुड़े हुए कुछ ऐसी अनटोल्ड स्टोरी जो शायद एज एन ऑडियंस आपको ना पता हो। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखें। सोनी सब जो कि 2007 से ही कई सारे ऐसे शो लेके आता गया है जिसको आज भी आप भी पसंद करते हो, और ऐसे कई सारे शो हैं जिनको हम लगातार देखना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सोनी सब अब धीरे धीरे, और सोनी सब ने अब ये बात ऑफिशियल भी कह दी है कि भाई हम अब एक कॉमेडी चैनल नहीं रह गए हैं, हम ड्रामा, डेली सोप, जैसा कि स्टार प्लस, जैसा कि कलर्स टीवी, जी टीवी, वैसा ही शो अब हम भी प्रोड्यूस करेंगे। इसके पीछे के रीज़न बताया है इनके बिजनेस हेड ने, सोनी के ऑनर ने, इसके साथ साथ आखिर ऑडियंस का क्या रिएक्शन आया है और सोनी सब को ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि एक ऐसा कॉमेडी चैनल जो कि सक्सेसफुल कॉमेडी चैनल था वो अब डेली सोप में बदलने जा रहा है। सोनी सब के बिजनेस हेड नीरज व्यास बताते हैं कि हमने बहुत लंबे सालों तक कॉमेडी शो दिए हैं और एक से बढ़कर एक कॉमेडी शो है। 2007 की बात करें तो जहां ऑफिस ने दशकों तक राज किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, तो इसके अलावा मैडम सर, एफआईआर और तारक मेहता का उल्टा चश्मा को कौन ही भूल सकता है। लगातार चलने वाले 10 साल से भी ज्यादा लंबे समय तक चलने वाले शो भी दिए हैं सोनी सब ने, और वो सारे ही शो कॉमेडी शो रहे हैं, चाहे वो लापता गंज हो, जीजाजी छत पर हो या फिर कई सारे और भी शो। लेकिन इन शो उसको अब आप नहीं देख पाओगे क्योंकि आने वाले दिनों में सोनी सब एक डेली सोप चैनल बनने वाला है। नीरज व्यास का कहना है कि हम तो चाहते हैं कि कॉमेडी चैनल हम बना के रखें, लेकिन ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कॉमेडी चैनल बहुत लंबे समय तक अपने टीआरपी और अपने ऑडियंस रिटेंशन को नहीं बना पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं, स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम होती है और उसके बाद शो फ्लॉप हो जाता है। दूसरी तरफ नीरज व्यास का कहना है कि ड्रामा और फैमिली शो जो होते हैं उनको आप लंबे समय तक चला सकते हो, जैसा कि आने वाले दिल दिया गल्ला होने वाला है, धर्म योद्धा गरुड़ जैसे शो, इसके अलावा सुपर नेचुरल शो भी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में ये साफ है कि आपको सोनी सबसे धीरे धीरे कॉमेडी शो गायब होते भी नजर आने वाले हैं। खैर, नीरज व्यास का जो कहना है इससे कई सारे लोग एग्री करेंगे, कई सारे लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में सोनी सब किस तरीके से कैसे शो लेके आता है जो कि सोप होंगे। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा ही वेट करना है क्योंकि आपने कुछ झलक तो देख ही लिया है और कई सारे डेली सोप शो इस चैनल पे लगातार स्टार्ट होने वाले हैं। खैर, मैं जानना चाहूंगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं डिसीजन आप पे छोड़ता हूं कि आपको क्या लगता है, क्या सोनी सब को एक कॉमेडी चैनल बने रहना चाहिए था, या आपको लगता है कि जी हाँ बिल्कुल कॉमेडी चैनल और कॉमेडी शो को लंबे समय तक ऑडियंस के बीच बांध के रखना एक टफ टास्क हो सकता है। इसके लिए अगर नीरज व्यास जी ये कह रहे हैं कि हम एक डेली सोप बनाएंगे तो हम बिल्कुल स्वागत करते हैं, या आप चाहते हो कि यार इंडिया में गिन चुन के एक ही तो ऐसा चैनल है जिसको आप प्रॉपर फैमिली कॉमेडी चैनल बोल सकते हो, तो आखिर इसको डेली सोप, इसको फैमिली शो क्यों बनाने जा रहे हो? अच्छा खासा कॉमेडी शो था, अच्छा खासा कॉमेडी चैनल था, आने वाले दिनों में ऐसा ना हो जाए कि चैनल की नैया ही डूब जाए इस तरीके के एक्सपेरिमेंट पे। आप अपना ओपिनियन हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, जाते जाते मैं आपको कहना चाहूँगा, चल रही है दिवाली फेस्टिवल की सेल अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे, इसके साथ साथ कई सारे और भी वेरियस ऐप पे। अगर आप भी अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए छोटी बड़ी कोई भी शॉपिंग आप हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से कर सकते हो, जाइए अभी जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप कोई भी प्रोडक्ट को बाय कीजिए। बड़े बड़े ऑफर्स चल रहे हैं जहाँ पे आपको ढेरों डिस्काउंट दिए जाएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।